हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था सिविल इंजीनियरिंग जॉब इन सीमेंट इंडस्ट्री, कैरियर सैलरी फ्यूचर सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आप लोगों का और काफ़ी अच्छा व्यू भी आया था। और उसके ऊपर हमारे कुछ व्यूअर जो है पे कमेंट किए थे, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चन, टेक्नो मार्केटिंग ड्यूटी, ग्रेजुएट क्वालिफाई हूँ, ये सब जो है। ठीक है, तो भाई 13,000 रुपये होने में कितना साल लगते हैं, इस सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल सा सीट के साथ, जहाँ पे हम लोग कुछ नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक होगा ड्यूटीज ऑफ टेक्नो सेल्स। भाई सेल्स के बंदे इनडायरेक्टली आप सेल्स ही कर रहे हैं, ठीक है ना, टेक्नो सेल्स हो गया। तो सबसे पहला जो काम होता है, मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है, तो सबसे पहला आपका टास्क है कि आपको साइट विजिट करना है। साइट विजिट, ठीक है, सबसे पहला आपका काम होगा। लगभग सारी कंपनी ऐसे ही करती है, टेक्नो सेल्स के जो भी बंदे होते हैं सिविल इंजीनियर, उनको साइट पे जाना होता है। वहाँ पे जो भी आपके साइट पे, वहाँ पे जो है जो भी सीमेंट लग रहा हो उसको अपने ब्रांड में कन्वर्ट करना है। वो भी टेक्निकली आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से मिलना है, मैसन से मिलना है, और सीमेंट की क्वालिटी आपको समझाना है, आपके काम करने के तरीके को समझाना, किस तरह से आप काम करते हैं, अपने काम को किस तरह से अच्छे कर सकते हैं। प्लस आपको वहाँ पे अपने कंपनी में उस कॉन्ट्रैक्टर या फिर मैसन को ऐड करना होगा, एनरोल करना होगा। ठीक है, उसके थ्रू क्या है, अगर अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आपका जो है बात समझ गया, आपके बातों से कन्विंस हो गया, तो वहाँ पे आपका कंपनी का बिजनेस बनेगा, वहाँ पे आपका सीमेंट लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि साइट विजिट हो गया, मैसन कॉन्ट्रैक्टर इनरोलमेंट हो गया, उसके बाद जो हमारा ड्यूटी होता है टेक्नो मार्केटिंग में, आपका काम होता है मैसन मीट करना, कॉन्ट्रैक्टर मीट करना। ठीक है, तो उसमें आपके जो भी कंपनी के आपके अचीवमेंट क्या हैं, किस किस जगह पे उस सीमेंट का यूज़ किया गया है, उस सीमेंट का क्वालिटी क्या है, आपका सीमेंट दूसरे कंपनी से कैसे बेटर है और उस सीमेंट का क्यों लगाएंगे, वो आपको करना है, उसमें बताना है मीटिंग में। मीटिंग में आपको बहुत ही केयरफुली आपको अटेंडेंस बनाने होंगे, आपको सीट अरेंज करने होंगे, कुछ मैसेज मीट में खाने का भी प्रबंध होता है तो उसको देखना होगा, आपको डीलर के थ्रू या फिर अपने वेंडर के थ्रू वह चीज़ करवाना होगा। उसी तरह से ISP मीट होता है, ISP का मतलब होता है इंडिविजुअल हाउस बिल्डर, जो कि अपना घर जो बनाते हैं ओन करते हैं, उनको ISP बोला जाता है टेक्नो सेल्स के दुनिया में। ठीक है, तो ये आपका मीटिंग हो गया। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मीटिंग होते हैं, वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी वाइज जनरली ये तीनों मीटिंग सारे कंपनी में होते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया है। बहुत सारे ए ग्रुप की कंपनियां हैं जो आपको वार्ड मेंबर का मीटिंग कराते हैं, मुखिया का मीटिंग कराते हैं, साथ में साथ आपके जो भी रूरल इन्फ्लुएंसर होते हैं, सरपंच, ये सब लोगों का मीटिंग कराते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स का भी मीटिंग होता है। टेक्नोक्रेट्स का मतलब होता है इंजीनियर टेक और आर्किटेक्चर का जो ग्रुप होता है उसका एक मीटिंग कराया जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है जो भी शहरी क्षेत्र या फिर गांव के लोग भी अब उस चीज़ को यूज करने लगे हैं, नक्शा बनवाने के बाद ही घर बनवाते हैं,
इसलिए वहाँ से जो है एक अच्छा खासा जो है बिजनेस मिल सकता है। इस प्रोस्पेक्टिव से जो है लोग वहाँ पे मैसन मीट करते हैं और अपना बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो टेक्नोक्रेट्स और इंजीनियर के माध्यम से। ठीक है, तो ये एक मीटिंग हो गया। चौथी चीज़ होती है कि हमारे जो भी डीलर होते हैं, चैनल पार्टनर, ठीक है, चैनल पार्टनर, ठीक है, चैनल पार्टनर में आपके आ जाएंगे डीलर, उसके रिटेलर, ठीक है। तो इनका जो है आपको काउंटर विजिट करना है। ठीक है, जब आप डेली आप निकलेंगे मार्केट, तो आपको तो आपका जो भी टारगेट होगा साइट का वो करना है, साथ ही साथ आपको जो है डीलर और रिटेलर काउंटर पे भी विजिट करना है कि कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सीमेंट बेचने में, कहीं कोई साइट पे कंप्लेन तो नहीं है सीमेंट के सेटिंग के रिगार्डिंग, या फिर किसी साइट पे अगर टेक्निकल असिस्ट चाहिए तो वो वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, या फिर जो भी आपका रनिंग स्कीम वगैरह चल रहा है तो उसका गिफ्ट वगैरह भी आप ही को देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है नॉर्मली सभी कंपनी में, कुछ कुछ वी ग्रुप या फिर और दूसरे कंपनी जो है और भी बहुत काम होता है सेल्स के रिगार्डिंग, लेकिन जो भी अच्छी कंपनियां हैं उसमें आपको टेक्निकल वर्क ही दिया जाएगा कि हाँ भैया आप टेक्निकल वर्क कीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो काम होता है आपके डीलर रिटेलर काउंटर पे जा रहे हैं तो आपको खाली नहीं जाना है, आप कुछ ना कुछ साइट्स का लीड उनको देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपका टारगेट भी पूरा होगा, जो भी कन्वर्जन का टारगेट होता है वो आपका इजीली फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को डेली 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से मिलना होता है, उनसे बात करना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो मेन काम था यही दोनों था, इसके अलावा जो काम आता है वो है आपको कि आपको जो है साइट मीट करवाना होता है। साइट मीट जो है साइट पे ही होता है, साइट मीट उस साइट पे होता है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट लग रहा हो और आपको लगता हो कि हाँ यहाँ पे हमारा जो है बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि आपकी जो सीमेंट और ज़्यादा यूज़ की जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग साइट मीट कर देते हैं 10-12 लोगों का, जहाँ पे हम लोग छोटा मोटा कोई गिफ्ट बांटते हैं और वहाँ पे हैं हम लोग कस्टमर को गिफ्ट देते हैं और सीमेंट के प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ये साइट मीट लगर हर कंपनी में होता है मेरे अंदाज से। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि आपको जो है अपने कंपटीटर यानी कि आप जिस भी ब्रांड में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस ब्रांड के अलावा आप उस मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर कौन है, तो उस कॉम्पिटिटर के बारे में पता करना होता है कि मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर अभी क्या स्कीम चला रहा है मिस्त्री के लिए, ठेकेदार के लिए, या फिर कस्टमर के लिए, तो वो चीज़ पता करना आपका भी एक ड्यूटी है। तो वो भी आपको कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन आपको देना होगा, आपके बॉस जो भी रिपोर्टिंग बॉस होंगे उनको देना होगा। ठीक है, तो ये भी एक आपका काम है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि सबसे पहले आपको कोई अगर इंजीनियर कहीं साइट पे मिलते हैं तो उनसे बात कीजिए, वो अगर आपके सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, कंपनी में इनरोल नहीं है, तो उनको इनरोल के लिए अगर अच्छे इंजीनियर हैं तो हो सकता है वो आपको अच्छा खासा बिजनेस दे दें। ठीक है, इसके अलावा आपको कस्टमर से मिलना है, कस्टमर से बात करना है, डेली कॉलिंग करना है, आपको जो भी है कस्टमर का लीड मिला है उसको फॉलो अप करना है, तो इस सब से जो है आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेन जो काम होता है टेक्नोसेल्स का, साइट विजिट करना, कन्वर्जन करना, काउंटर विजिट करना, इंजीनियर से मिलना, कॉन्ट्रैक्टर से मिलना, और इसके थ्रू इनडायरेक्टली सेल को ग्रोथ करना है, आपके जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका सेल ग्रोथ करना है, तो मेन आपका यही रहता है ड्यूटीज, जो कि कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया। तो मंथ एंड में जो है जब क्लोजिंग होता है तो वहाँ पे बहुत सारा आपको काम आता होगा,
यहाँ पे आपको मिस्त्री ठेकेदार जो भी है उनका जो लिफ्टिंग है वो आपको डीलर से कह के उनको चलवाना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि उन्हें आपके स्कीम में क्वालिफाई भी करवाना होता है, जो कि साल भर का या फिर 6 महीने का जो भी कंपनी का आपका चल रहा होगा वो उसमें क्वालिफाई करे और अच्छे पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो ये आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको टेक्नो सेल्स में करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि टेक्नो सेल्स में ग्रोथ कैसे होता है, स्टेप वन में कौन सा पोजीशन होता है, फिर बाद में कैसे होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।